3.2 जो एक मोस्ट कॉमन केस है कि स्टेयर केस में जो टू फ्लैट स्टेयर केस होती है, और इसको हम अभी यानी डिज़ाइन करेंगे। स्टार्ट करते हैं डिज़ाइन द स्टेयर केस शोन इन फिगर 18.19 विच कैरी द यूनिफॉर्म लाइव लोड ऑफ 120 PSF। अज्यूम अ राइज ऑफ 7 इंच एंड रन ऑफ 10.75 इंच। यूज FC' 3 KSI एंड FY 60 KSI। तो ये इसकी फिगर गिवन है जी। ये फर्स्ट फ्लाइट है, उसके बाद लैंडिंग है, फिर सेकंड फ्लाइट है। तो हर फ्लाइट सेपरेटली डिज़ाइन होती है, उसको हम इंडिविजुअली हर जो है फ्लाइट को अलहदा से कंसिडर करते हैं और उसको डिज़ाइन करते हैं, उसकी स्टील रिइंफोर्समेंट। फिर इसी तरह सेकंड फ्लाइट में भी वही स्टील रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। तो ये देखें, ये इसका क्रॉस सेक्शन है, ये फर्स्ट लैंडिंग है, उसके बाद इंक्लाइन पार्ट है, सेकंड लैंडिंग है। तो गया कि ये फर्स्ट फ्लाइट के लिए हम स्टील जो कैलकुलेट करेंगे वही हम हर फ्लाइट में प्रोवाइड करेंगे। तो अब थ्योरी में हमने पढ़ा था कि विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रक्चरल सिस्टम 4 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। फर्स्ट पॉसिबिलिटी जो यानी मोस्ट कॉमन है, जिसके मुताबिक हम इसको डिज़ाइन करेंगे, ये कि जो सपोर्टिंग कंडीशन है उस तरह क्या है कि फर्स्ट सपोर्ट ए और डी पे सिर्फ सपोर्ट है, इंटरमीडिएट लेवल पे कोई भी बीम वगैरह नहीं है। तो ये फिर एज अ यूँ कहें कि सिंगल स्पैन स्टेयर केस डिज़ाइन होगी हर फ्लाइट, और अगर इंटरमीडिएट बीम भी हों तो फिर एक कंटिन्यूस स्लैब बन जाती है जो दो पैनल हो सकते हैं या दो से ज़्यादा पैनल हो सकते हैं। इसलिए हम कंसिडर करेंगे इफ़ नो स्ट्रिंगर बीम इज यूज वन ऑफ द 4 पॉसिबल सॉल्यूशन शोन इन फिगर मे बी अडॉप्टेड। When no intermediate support are used, the flight of stair will be supported at the end of the upper and lower landing. This structure system will be adopted in this example. अब आप देखें कि अब गोया कि ये फ्री बॉडी डायग्राम बनेगी एक फ्लाइट की, जिसमें 5 feet तक लैंडिंग है, फिर 7 feet 2 inch इंक्लाइंड पार्ट है, और फिर 5 feet लैंडिंग है। टोटल स्पैन लेंथ बनेगा 17 feet 2 inch सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन सपोर्ट ए एंड बी। और इसके लिए अब हमने यानी लोड कैलकुलेट करना है, और उस लोड के अगेंस्ट पे मैक्सिमम मोमेंट और स्टील एरिया कैलकुलेट करना है। तो लोड कैलकुलेट करने के लिए लाइव लोड तो हमें गिवन है, 120 PSF लाइव लोड गिवन है। डेड लोड हम उसी तरह जैसे फर्स्ट एग्जांपल में हमने स्टेप का लोड कैलकुलेट किया था, सेल्फ वेट ऑफ ईच स्टेप, इसी तरह हम यहाँ पे भी स्टेप का लोड कैलकुलेट करेंगे। तो स्टेप लोड कैलकुलेट करने के लिए पहली चीज़ हमें जो चाहिए वो वेस्ट थिकनेस चाहिए, ठीक है जी। जैसे लास्ट एग्जांपल में हमने 4 inch थिकनेस अज्यूम की थी, तो ये क्योंकि इसका स्पैन बड़ा है, 17 feet 2 inch स्पैन है, तो इसमें हम वेस्ट थिकनेस अज्यूम करते हैं 8 inch। ये कैलकुलेट करते हैं वेस्ट थिकनेस जो है वो L/28 वैल्यू से। अगर हम कंसिडर करें कि ये दोनों एंड जो है ना, वैसे तो हम इसको एज ए सिंपली सपोर्टेड डिज़ाइन करते हैं, लेकिन क्योंकि ये सपोर्ट के साथ स्टेयर केस का जॉइंट मोनोलिथिक बनता है, तो हम इसकी डिफ्लेक्शन मिनिमम थिकनेस फॉर डिफ्लेक्शन ले सकते हैं L/28, वो करेंगे तो 7.4 inch रिक्वायर्ड है, तो 8 inch हमने वेस्ट थिकनेस ले ली। अब आप देखें कि 8 inch अगर ये वेस्ट थिकनेस है तो MN की वैल्यू हमें रिक्वायर्ड है वो कितनी होगी, उसके लिए हमें थीटा चाहिए। तो थीटा हम निकालते हैं, टेन थीटा इज इक्वल टू राइजर यानी 7 inch डिवाइडेड बाय रन 10.75 inch। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। तो ये जो इंक्लाइंड वेस्ट है जो हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बना रहा है, वेस्ट के परपेंडिकुलर का वर्टिकल के साथ वही एंगल होगा, यानी अगर ये थीटा है तो फिर ये भी थीटा होगा। तो अब आप कॉस थीटा लगाएं, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस यानी 8 inch डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज MN। MN कैलकुलेट हमने करना है, MN इज इक्वल टू 8 inch ओवर कॉस थीटा, ये MN की वैल्यू आ जाएगी 9.5 inch। अब आप देखें कि ये MN 9.5 inch है, और सेकंड जो साइड है ट्रिपल आइडल की 9.5 inch प्लस 7 inch है यानी 16.5 inch है। तो एवरेज ऑफ टू पैरेलल लेयर्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पैरेलल लेयर्स, इससे ट्रिपल आइडल का एरिया कैलकुलेट हो जाएगा।
तो 9.5 प्लस 16.5 डिवाइडेड बाय 2, ये एवरेज ऑफ पैरेलल लेयर्स है, 12 से डिवाइड किया है इंचीज से फिट में कन्वर्ट करने के लिए, इनटू डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पैरेलल लेयर्स, यानी ये जो हमारी डेप्थ ऑफ स्टेप है यानी 10.75, और इनटू डेंसिटी 150 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक स्टेप का वेट आ जाएगा 145 पाउंड पर स्टेप। अब हमने जो वेट कैलकुलेट करना है वो तो रनिंग फिट में कैलकुलेट करना है पर फिट, ठीक है। तो ये वेट आया है पर स्टेप, और स्टेप की जो डेप्थ है वो 10.75 इंच है। लास्ट एग्जांपल में हमने जो स्टेप का वेट कैलकुलेट किया था वही पर फिट वेट भी वही था, क्योंकि उसमें जो स्टेप डेप्थ थी वो 12 इंच थी यानी ऑलरेडी 1 फिट थी, इसलिए जो यहाँ पे वेट कैलकुलेट हुआ था 98.8 यही पर फिट वेट था, लेकिन यहाँ पे अब ये वेट स्टेप का है, स्टेप 10.75 है। तो अगर 10.75 डेप्थ स्टेप हो इंच तो उसका वेट होता है 145.6, अगर 12 इंच के लिए वेट कितना होगा, तो ये यूनिट रूल से हम ये कैलकुलेट करेंगे, एवरेज वेट पर फिट लेंथ 145.6 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 10.75, तो ये 162.5 पाउंड पर फिट वेट है पर फिट, ये 145.6 वेट है पर स्टेप, तो हमें वेट रिक्वायर्ड है 162.5 पर फिट। तो ये वेट हो गया जो इंक्लाइंड पार्ट का है। उसके बाद जो लैंडिंग है, लैंडिंग में तो कोई स्टेप नहीं होता, तो लैंडिंग की उतनी थिकनेस हम लेते हैं जितनी वेस्ट की थिकनेस जूम की होती है, इसलिए लैंडिंग का भी सेल्फ वेट अलहदा से कैलकुलेट होगा, 8/12 इंटू 150 100 पाउंड पर फिट। तो ये सेल्फ लोड है, सेल्फ वेट ऑफ स्टेयर है, और ये सेल्फ वेट ऑफ लैंडिंग है। इसमें हमने फिनिशेस का वेट ऐड करना है यानी जो स्टेप कवर होता है, तो लास्ट एग्जांपल में हमने फिनिशेस का जो वेट लिया था वो स्टेप में 5 पाउंड पर फिट लिया था, तो यहाँ पे ये वैल्यू ली हुई है 7.5 फिट पाउंड पर फिट फॉर स्टेयर और 2 पाउंड पर फिट फॉर लैंडिंग, ठीक है जी। तो ये वैल्यू डिपेंड करती है जो मटेरियल टाइप हम यूज कर रहे हैं फिनिशेस के लिए, आइदर हम ट्रिप यानी वो मार्बल यूज कर रहे हैं, ये चिप्स यूज कर रहे हैं, या फिर सिंपल हम जो है वो सीमेंट पेस्ट यूज कर रहे हैं, उस पे डिपेंड करती है ये वैल्यू, ठीक है। तो एवरेज हम 5 पाउंड पर फिट से लेके 10 पाउंड पर फिट के बिटवीन कोई वैल्यू ले लेते हैं। उसके बाद अब टोटल लोड आ जाएगा ऑन स्टेयर 162.5 प्लस 7.5 170, टोटल लोड ऑन लैंडिंग यानी टोटल डेड लोड ऑन लैंडिंग 100 प्लस 2 102 पाउंड पर फिट। तो ये डेड लोड आ गया टोटल स्टेयर के लिए, टोटल डेड लोड फर्स्ट लैंडिंग। अब आप टोटल फैक्टर लोड कैलकुलेट करें तो 1.2 इंटू डेड लोड प्लस 1.6 इंटू लाइव लोड, तो 400 पाउंड पर फिट लोड होगा ऑन स्टेयर और 314 पाउंड पर फिट लोड होगा ऑन लैंडिंग, ठीक है। बिकॉज द लोड ऑन द लैंडिंग इज कैरीड इन टू डायरेक्शन, ओनली हाफ द लोड विल बी कंसिडर्ड इन ईच डायरेक्शन। अब जो लैंडिंग का लोड कैलकुलेट हुआ है, लैंडिंग दोनों डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट होगी, लैंडिंग का जो लोड है। ये देखें, ये हमारी एक फ्लाइट यहाँ तक है, ये सेकेंड फ्लाइट है, ये एक फ्लाइट है, ये दूसरी फ्लाइट है, बीच में ओपन वेल है। तो लैंडिंग का जो एक फ्लाइट के लिए जो लोड है, ठीक है, वो लोड आपका यहाँ भी इस तरफ भी ट्रांसफर होगा, इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में ट्रांसफर होगा, सही है। तो हम गोया कि एक फ्लाइट में जो लैंडिंग का टोटल लोड है उसका 50% लेंगे जब फ्लैट यानी फ्लाइट डिजाइन करेंगे, और 50% लोड लेंगे जब हम लैंडिंग को सेपरेटली डिजाइन करेंगे। इसलिए ये जो वैल्यू आई 314 पाउंड पर फिट, इसकी हाफ वैल्यू हमने कंसिडर करनी है, तो 157 पाउंड पर फिट लोड है लैंडिंग का, और 400 लोड जो हमने इंक्लाइंड पार्ट का कैलकुलेट किया था, और उसके बाद सेकंड लैंडिंग का लोड फिर जो है वो 157, और ये हमारे पास टोटल स्पैन लेंथ है। अब इस स्टेयर केस को एज ए सिंपली सपोर्टेड आप कंसिडर करें, और इस लोड के अगेंस्ट इसका रिएक्शन कैलकुलेट करें, ठीक है। जैसे 157 इंटू 5 प्लस 400 इंटू 7.2 प्लस 157 इंटू 5,
डिवाइडेड बाय टू करेंगे तो ये हमारे पास आर ए आ जाएगा और आर बी आ जाएगा, ठीक है, यानी रिएक्शन कैलकुलेट हो जाएंगे। तो टोटल लोड से हमने रिएक्शंस कैलकुलेट करने हैं। रिएक्शन कैलकुलेट करने के बाद अब हमने मूवमेंट कैलकुलेट करना है। तो देखिए मैक्सिमम मूवमेंट जो आएगा वो सेंटर पे आएगा, सही है। तो सेंटर के लिए आप इक्वेशन बनाएं, जैसे ये रिएक्शन आया 2.22 किप, ये 0.157 हो जाएगा क्योंकि ये पाउंड में आया तो आपने इसको किप में कन्वर्ट करना है। ये 0.4 किप पर फिट है, ये 0.157 किप पर फिट लोड है। तो रिएक्शन की वजह से सेंटर पे मूवमेंट कितना होगा, 2.22 किप इंटू हाफ ऑफ लेंथ 17.5 डिवाइडेड बाय 2। तो ये देखिए 2.22 इंटू 17.2 डिवाइडेड बाय 2, ये मूवमेंट ड्यू टू रिएक्शन है आर ए। उसके बाद मूवमेंट ड्यू टू लैंडिंग लोड 157 यानी 0.157 इंटू 5, ये इस तरह ये पॉइंट लोड में कन्वर्ट हो गया और इसको आपने मल्टीप्लाई करना है इसके ये लीवर आर्म से, ठीक है जी। तो ये बनेगा 0.157 इंटू 5 इंटू 6.1, क्योंकि 2.5 ये वाला और 3.6 ये वाला दोनों को ऐड करेंगे कि 6.1 आ जाएगा। तीसरा ये काउंटर क्लॉक वाइज है इसलिए हमने इसको नेगेटिव साइन से शो किया। तीसरा मूवमेंट ड्यू टू स्टेयर लोड, ठीक है, 400 किप यानी पाउंड पर फिट, 0.4 किप पर फिट की वजह से इस मूवमेंट सेंटर पे क्या आएगा, 0.4 इंटू 3.6 स्केयर बाई 2, सही है जी। तो ये हमारे पास टोटल मूवमेंट कैलकुलेट हो गया 11.71। अब आगे आपने इस मूवमेंट के अगेंस्ट आर एन कैलकुलेट करना है, उसके लिए आपको डी चाहिए। तो आप जो टोटल थिकनेस है वेस्ट की उसमें से 1 इंच माइनस किया तो ये हमारे पास इफेक्टिव डेप्थ आ गई। लास्ट एग्जांपल में हमने डी जो कैलकुलेट किया था अगर आपको याद हो तो हमने ये टोटल जो ये ट्रिपोजाइडल ये वाली वैल्यू ये वैल्यू इन दोनों को एवरेज लेके डी निकाला था, ठीक है। ये देखें एवरेज ऑफ एवरेज थिकनेस ऑफ स्टेप, वो इसलिए के कैंटिलीवर स्टेप में जो स्टील हम यूज़ करते हैं वो टॉप पे करते हैं क्योंकि टॉप पे टेंशन होती है, बॉटम पे कंप्रेशन होती है। लेकिन जो नॉर्मल स्टेयर केस होगी उसमें बॉटम पे टेंशन क्रिएट होगी, इसलिए वेस्ट की जो थिकनेस है वेस्ट की थिकनेस के अंदर हमने स्टील रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करनी है। तो वेस्ट के ऊपर जो स्टेप है वो स्टेप मे बी ज़रूरी नहीं है कि वो आरसीसी का ही हो, मे बी वो स्टेप जो है वो किसी और मटेरियल का भी हो सकता है। इसलिए आरसीसी की जो थिकनेस है वो 8 इंच ही है जो हमने डिज़ाइन में लेनी है, तो इसलिए 8 इंच में से आपने कवर माइनस किया 1 इंच, तो 7 इंच इफेक्टिव डेप्थ आ गई। अब 11.71 इंटू 12,000 डिवाइडेड बाय 0.9, बी की वैल्यू लें 12 इंच और डी लें 7 इंच इसका स्केयर, यानी एम यू और 5 BD स्केयर से आर एन कैलकुलेट करें, आर एन से रो और रो से स्टील एरिया निकालें, या फिर सेकंड ये कि आप ए की वैल्यू ज़ूम करके स्टील एरिया निकाल रहे हैं। अब देखें जो स्टील एरिया आया इसको फ्लेक्जर स्टील के साथ कंपेयर किया तो ये वैल्यू ज़्यादा है 0.4 इंच स्केयर। तो यूज नंबर 4 बार स्पेस्ड एट 6 इंच सेंटर टू सेंटर, तो ये आपकी मेन रेनफोर्समेंट आ गएगी स्टेयर की, नंबर 4 एट द रेट ऑफ 6 इंच, ठीक है जी। तो ये स्टील जो प्रोवाइड करेंगे ये एक फ्लाइट में देंगे, तो एक फ्लाइट की जो विड्थ है वो है 5 फिट। तो अगर चार चार नंबर 4 बार 6 इंच की सिचुएशन पे आए तो 5 फिट के अंदर 10 बारें आएंगी, ठीक है। इसलिए ये कह लेंगे फॉर 5 फिट वाइड स्टेयर यूज 10 नंबर 4 बार्स। उसके बाद ट्रांसवर्स रिइंफोर्समेंट है फॉर टेम्परेचर और श्रिंकेज कंट्रोल 0.0018 BH, तो ये 0.18 इंच स्केयर पर फिट आया, तो नंबर 4 एट द रेट ऑफ 12 इंच। ये आपने प्रोवाइड करनी है जो इनक्लाइंड पार्ट के अंदर जो डॉटेड बार है, सही है। ये देखें ये जो डॉट हैं ये नंबर 4 एट द रेट ऑफ 12 इंच है, वो जो मेन स्टील डिज़ाइन की मूवमेंट के अगेंस्ट नंबर 4 एट द रेट ऑफ 6 इंच है। ये तो स्टेयर का डिज़ाइन हो गया। अब नेक्स्ट आप अच्छा इफ द स्लैब विल बी कास्ट मोनोलिथिकली विद इट सपोर्टिंग बीम एडिशनल रेनफोर्समेंट मस्ट बी प्रोवाइडेड एट द टॉप ऑफ द अपर एंड लोअर लैंडिंग
डिटेल ऑफ स्टील रेनफोर्समेंट और शोन इन फिगर। तो वैसे तो हम इसको सिंपली सपोर्टेड ही लेते हैं, अगर इसको सपोर्ट के साथ थोड़ा मोनोलिथिक कर दें कि कंक्रीटिंग इकट्ठी कर दें, तो फिर जो स्मॉल मूवमेंट क्रिएट होगा नेगेटिव, उसके लिए नेगेटिव स्टील भी दें और वो नेगेटिव स्टील इतनी प्रोवाइड करें जितनी लैंडिंग के लिए आएगी, वो भी हम कैलकुलेट करते हैं। अब आए लैंडिंग की तरफ। ये लैंडिंग की लेंथ है 12 फुट, उसमें 5 फिट फर्स्ट फ्लाइट है, 2 फिट फिर ओपन वेल है और फिर 5 फिट सेकेंड फ्लाइट है। तो टोटल लैंडिंग की जो लेंथ है वो 12 फिट है। तो अब आप देखें 12 फिट में पहले 5 फिट के लिए 157 होगा, ठीक है, क्योंकि हाफ लोड आप ऑलरेडी फ्लाइट में यानी ले चुके हैं, तो रिमेनिंग हाफ आपका लैंडिंग के लिए आ जाएगा। और ओपन वेल के जो वैल्यू है लैंडिंग की, बीच वाले जो 2 फुट है, ये ना फर्स्ट फ्लाइट में आ रहा है ना सेकेंड फ्लाइट में, इसलिए इसका फुल लोड हम कंसिडर करेंगे जब लैंडिंग डिज़ाइन करेंगे। और फिर सेकेंड फ्लाइट के लिए भी जो लैंडिंग का लोड था 157, इन लोड के अगेंस्ट आपने उसी तरह रिएक्शन कैलकुलेट करना है, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेज इक्वल टू 0 करके आर कैलकुलेट हो जाएगा। और उसी तरह फिर लैंडिंग के सेंटर पे, क्योंकि मोमेंट मैक्सिमम है तो सेंटर पे आप मोमेंट कैलकुलेट कर लें, जैसे R1 की वजह से मोमेंट 1.1 × 5+1 यानी 6 फिट, −0.157 × 2.5+1 यानी 3.5, −0.314 × 1² by 2, तो ये मूवमेंट आ गया लैंडिंग के लिए 3.7 फिट। इस मूवमेंट से भी आपने उसी तरह 5 BD² से डिवाइड करना है मूवमेंट को, RN आ जाएगा। अच्छा, इसमें जो D की वैल्यू लेंगे वो थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, क्योंकि लैंडिंग की स्टेयर के लिए आप स्टेयर आपने प्रोवाइड करनी है, जो ऑलरेडी आपने स्टेयर केस के लिए स्टील दी हुई है इसके टॉप पे, इसलिए इफेक्टिव डेप्थ जो है ना वो गोया के एक बार पूरी जो है ना वो बढ़ जाएगी। इसलिए देखें इफेक्टिव डेप्थ इसके लिए क्या है, 8 इंच वेस्ट थिकनेस कवर 0.75 × 4 × 4/8 डायमीटर जो के मेन स्टेयर एनफोर्समेंट डायमीटर है, −0.25 ये हाफ ऑफ डायमीटर ऑफ बार फॉर लैंडिंग, तो ये 6.3 इंच इफेक्टिव डेप्थ आई। यहाँ से आप आर एंड रो स्टील एरिया निकालें, फ्लक्जर के साथ कंपेयर किया तो ये फ्लक्जर की वैल्यू से भी कम आ रही है, तो फ्लक्जर एनफोर्समेंट हमने प्रोवाइड की नंबर 4 एट द रेट ऑफ 7 इंच सेंटर टू सेंटर। तो ये हमारा लैंडिंग की स्टील आएगी नंबर 4 एट द रेट ऑफ 7 इंच सेंटर टू सेंटर, ठीक है। ये जो डॉटेड शो हो रहे हैं ये सारे डॉटेड हैं, यही हम नेगेटिव स्टील प्रोवाइड कर देंगे। इधर भी ये नंबर 4 एट द रेट ऑफ ये 8 लिखा हुआ है, 7 इंच आएगी। तो ये आपका जी स्टेयर केस का डिज़ाइन हो गया। इसमें अगर कोई पॉइंट किसी को क्लियर ना हो तो पूछ लें। तो फर्स्ट स्टेप ये है कि हमने स्ट्रक्चर सिस्टम कंसिडर किया विद नो स्ट्रिंगर बीम, यानी हम पूरा एक पैनल ही इसको कंसिडर कर रहे हैं। और फिर उसके बाद हमने ट्रिपल जेडल स्टेप वेट इसका कैलकुलेट किया, फिर पर फिट वेट कैलकुलेट किया, फिर इसमें कवर वेट ऐड किया, लैंडिंग का वेट उसमें कवर ऐड किया, ताकि टोटल वेट हमारे पास स्टेयर में भी आ जाए और लैंडिंग में भी आ जाए। और लैंडिंग के लोड की हाफ वैल्यू हम फ्लाइट में लेंगे, तो ये हमारे पास फ्री बॉडी डायग्राम बनेगी। तो इस डायग्राम के अगेंस्ट हमने रिएक्शन कैलकुलेट करने हैं, मूवमेंट निकालने, और मूवमेंट से आर एंड रो स्टील एरिया निकालने। और जब लैंडिंग लेदर से डिज़ाइन करेंगे तो उस केस में आपके लैंडिंग का जो ओपन वेल पार्ट है 2 फिट बीच वाला, उसमें फुल लोड होगा, और जो फर्स्ट फ्लाइट और सेकंड फ्लाइट में जो पार्ट है लैंडिंग का उसमें हाफ लोड कंसिडर करके इसके रिएक्शन निकालेंगे, फिर मैक्सिमम मूवमेंट निकालेंगे और आर एंड रो और स्टील एरिया निकालेंगे। तो ये हमारा सिंपल डिज़ाइन है स्टेयर केस का।